ये सब करता होगा आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सब चीज़ ना करें। ये पूजा है, सेटलमेंट पूजा, जितना अच्छा से होने से उतना अच्छा होता है। जय माता दी दोस्तों। तो देखिए हमारे साथ हैं मनोज और रवि। तो ये थे माता जैन नगर माता पूजा समारोह में पुजारी बने हुए थे। तो इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 10 दिन इन्होंने क्या सीखा, एक डिसिप्लिन भरी लाइफ और क्या क्या। तो आगे की बातें हमें ये दीपक और रवि, मनोज और रवि बताएंगे, तो हम जानेंगे कि क्या है। तो बताइए दोस्त, क्या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखा इन दिनों, इन 10 दिन? 10 दिन में जैसे कोई लेडीज वगैरह आते हैं, हाँ, उसको गंदा नजर से देखना नहीं चाहिए, एकदम एक माँ और एक बहन का नजर से देखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि पूजा का ध्यान में रहना, जैसा कि बहुत जन जैसा होता है बैड वर्ड, किसी को गंदा नजर से देखना, ये सब वगैरह नशा करना, वो सब छोड़ना पड़ेगा। एक माँ का पूजा बने तो माँ का स्थापना में रहना, उनका रूल्स जैसा है वही फॉलो करना हम लोगों को। और उससे भी बड़ा सीख मिलता है कि हम लोग सबको, बहुत सारा लड़का देखे 9 बजे 10 बजे सो के उठता है, ये माँ का नीति में हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठना का एक टाइमिंग सेट हुआ है। सबसे अच्छा चीज कि आपको एक आदत लग गई कि भाई उठना है, पूजा करना है, पूजा करना है, कुछ करिए ना कर सुबह उठ के नहा कर ब्रश करके पूजा करना है माँ का सुबह। हर दिन। और क्या सीखा दोस्त, और बताइए? और जो 10 दिन में जो फूड आता है माँ का खाना, हर कोई देखिए रिच खाता है, सब कुछ खाते हैं, रिच सामान हुआ है, ऑयली फूड हुआ बहुत, और माँ का यहाँ पर सब चीज मीठा। जैसा कि बाय चांस सोचिए आप कुछ भी बाहर गए कहीं भी, आपको रिच खाना नहीं मिला, ज़्यादा कुछ ये नहीं मिला। माँ का जो आप भोग खाए थे आपको तो कुछ तो ये रहेंगे ना, टेस्ट वगैरह सब कुछ 10 दिन का करेक्ट, वो बाहर में भी आप वो सब खा के भी आप रह सकते। तो मतलब आप उबला हुआ खाना बिना नमक मिर्च प्याज कुछ नहीं, सादा खाना एकदम प्लेन। तो ये एक सीख है दोस्तों। जैसे देखिए ये जो 10 दिन इन्होंने सीखा कि एक बहुत ही आम जिंदगी व्यतीत करना, आम एकदम आम जिंदगी, जैसे उबला हुआ खाना बिना नमक मिर्च के खाना खाना, सबको अच्छी नजरों से देखना, समय पे उठना, समय पे पूजा करना, ये सब जो है हमें सिखाता है जिंदगी कैसे जिया जाए साधारण तरीके से। और मंदिर एक ऐसा चीज है, वो अमीर है या गरीब है सबको एक तरह ही देखते हैं, सब एक जैसे ही, एक ही नजर से आप देखते हैं, कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई आप छोटे आप बड़े हो, आप ये कोई रंग भेदभाव नहीं है, का पास आया बोले सब एक जैसा ही होता है। बस अच्छा, और बताइए और कुछ जो लगता है कि लोगों को जानना जरूरी है कि ये 10 दिन आप लोगों ने जो सीखा, आप ऐसा कुछ एक पॉइंट बताइए 10 दिनों में, अगर आपको मैं बोलूं इन 10 दिनों में एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सीखा और उसको आप जिंदगी भर निभाओगे वो क्या चीज होगी जी? फिर से बोलिए। अगर पूछूं आपको एक सवाल कि 10 दिनों में कोई एक इम्पोर्टेंट बात बताइए जो उसको आप जिंदगी भर याद रखोगे और उसी के उसको निभाओगे, तो वो कौन सी चीज होगी? हम तो एक ही बात ही बोलेंगे आपको, मंदिर में जो भी लेडीज वगैरह जो भी आता है ना, सबको एक ही नज़र से देखता है, बहुत जन बुरी नज़र से भी देखता है। हाँ, और एक बात ये है कि जो बहुत कुछ बोलते हैं ना सलंग वगैरह ये सब, माँ को छोड़ देंगे बोले, जो भी करते हैं आपका तो यूट्यूब में तो दिखता होगा सबको, माँ को क्यों करते हैं सब? बहुत जन देखिए पुजारी जो रहता है उसको बोलते बाण मार दिया, शेर बोलता है शेर को बाण मार दिया, ये सब करके उन लोगों को मिलता क्या? सबसे पहले नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता ये चीज। बस यही, जो भी ये सब करता होगा आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सब चीज़ ना करें। ये पूजा है, सेटलमेंट पूजा, जितना अच्छा से होने से उतना अच्छा होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। आपने कुछ नहीं बताया, कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते आप? कोई बात नहीं दोस्त। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इन 10 दिनों में जो इन्होंने सीखा एक डिसिप्लिन लाइफ, जैसे कि जिंदगी कैसे जिया जाए, लोगों की इज्जत करना, अपने बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना दोस्तों। और एक बात ध्यान रहे, अक्सर ये देखते हैं कि जो हमारी काली माता दुर्गा माता बनती है ना, इनके साथ कई बार बुरा बर्ताव किया जाता है। तो अगर आप उनको माता मानते हो, काली माता दुर्गा माता, तो उनको काली माता दुर्गा माता जैसे ट्रीट करिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है ना। ये जो बाण वगैरह, ये जो आप जो काली माँ
ये है बिना काली माँ दुर्गा माँ के ना माता का आगमन होता है ना माता का विसर्जन होता है ना। तो जो काली माँ दुर्गा माँ बनती हैं उन लोगों का आदर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। और जैसे भाई ने कहा किसी भी गलत प्रैक्टिस में ना घुसें और कोशिश करें कि सबका भला हो, सबकी ज़िंदगी अच्छी हो। और बस तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप सब पर माता की कृपा बनी रहे, माता का आशीर्वाद बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ हम लेते हैं अलविदा। मिलते हैं बहुत जल्द आप सब से। थैंक यू सो मच दोस्तों। बोलो सोलापुरी माई की जय। बोलो बोलो सोलापुरी माई की जय। बोलो बोलो सोलापुरी माई की जय। जय माता दी दोस्तों। टाटा बाय बाय। जय गणेश।